योऽन्तः प्रविश्रममवाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादिप्राणान्नमो भगवति पुरुषायतुभ्यं तुभ्यं सद्गुरुभ्यो नमो नमः भवन्तः जानन्ति यत् भारतीयसंस्कृतौ अनेकानि शास्त्राणि सन्ति तेषा शास्त्राण अध्यन वीय स्वरूप ज्ञात शक्नुवं शक्नु, आप जानते हैं कि हमारे भारतीय शास्त्रों के आधार पर हम अपने स्वरूप को अपने पूर्ण स्वरूप को समझ सकते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ श्रीमद गीता है श्रीमद गीता के तृतीय अध्याय की बात मैं करूं तो कर्म योग की बात इसमें कही है लेकिन अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं हम सब अर्जुन हैं, और हमारे मन में हर समय पर कोई ना कोई दुविधा रहती है और उस दुविधा को दूर करने के लिए हम अपने सदगुरु को या अपने शास्त्रों के शरण में जाते हैं और पूछते हैं कि इसका सही मार्ग कौन सा है तो अर्जुन उसी तरह से पूछते हैं कि अथ के न प्रयुक्त पापम चरती पुरुष अनिच्छन वार्षण जब कर्मयोग की बात कहते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण तो अर्जुन कहते हैं कि पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपी न चाहते हुए भी ये जीवात्मा पापाचरण क्यों करता है पापाचरण माने अशुभ आचरण जो शुभ नहीं है हमारे आ, स्वरूप को जानने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए या साधना में जो अनुकूल नहीं ऐसा कार्य ऐसा कृत्य करने के लिए अनिच्छन्न भी हम ना चाहते हुए भी कौन है जो ये इस प्रकार से हमको प्रयुक्त करता है तो योगेश्वर कृष्ण श्री भगवान वाच करके इस तृतीय अध्याय के हम सैतीसवें श्लोक में महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि काम क्रोध जो गुण महाशनो महापापमा विध्येन ये काम क्रोध, जो षड विकार हम कहते हैं ये है और ये हमारे रिपु है और कैसे है महाशन महांतम अश्नाती थी महाशन जो बहुत कुछ हमारे सत्कृत्य को पुण्य कर्म को खा जाते हैं क्योंकि काम वैसे तो हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्ट में काम को रखा हुआ है धर्म अर्थ काम तीसरे स्थान पे लेकिन धर्मा कामोस्मे भरत शब मैं कौन सा काम हूं धर्मा विरुद्ध धर्म से अविरुद्ध जो है वो काम मैं हूं लेकिन प्रतिकूल जो कुछ भी है वो मैं नहीं हूं वो तो काम ये क्रोध रजोगुण रजोगुण से पैदा होने वाला ये जो विकार है वो हमको महाशन है हमें बहुत हमारे सत्कृत्य को पुण्य को खा लेता है और महापाप मा, पाप और पुण्य को आज मैं अमरकोश में देख रहा था कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है क्योंकि पाप और पुण्य के बारे में बहुत व्याख्या होती है तो पाप माने अः पाति अस्मात आत्मा पाप माने जिस कृत्य से हम अपने आत्मा की रक्षा कर सके उसको पाप कहते हैं माने ऐसा दुष्कृत्य या प्रतिकूल कार्य जिससे हमें अपने आप की रक्षा करना है और इसी तरह से पुण्य का मतलब अर्थ किया हुआ है अमर कोश में और बाकी कोशों में तो पाप और पुण्य माने सुकृत और दुष्कृत माने हमारी अंतरात्मा हमको कहती है ये ठीक नहीं है ये नहीं करना चाहिए किसी के बारे में हम गलत सोचते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं तुरंत जिसको अंतरात्मा की आवाज कहते हैं कि अंदर से आवाज आती है हमें नहीं सोचना चाहिए परिवार के लोगों समाज के लोगों हमारे संस्थान के लोगों सहकर्मी लोगों हमें सबके बारे में शुभ सोचना है दूसरे व्यक्ति बेशक अशुभ सोचे हमें शुभ सोचना है तो ये सत्कृत्य है ये पुण्य है और इसी के द्वारा इसी साधना से हम अपने आप को समझ सकते हैं उसके बाद श्रीमद भगवद गीता में और श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों ऐसा होता है धूमे नियनी जैसे धूम के कारण वहनी ढक दी जाती है वहनी नहीं दिखा वहनी तो प्रकाश है प्रकाश है लेकिन धूम के कारण धुएं के कारण वो ढक जाती है और यथादर्शो मले जैसे शीशा है आ, लुकिंग ग्लास वो मल माने सांस से या किसी धुएं से वो धुंधला हो जाता है उसमें अपने प्रति बिंब नहीं दिखाई देता है यथा उबलेन आवृतो गर्भ जो माता के उदर में गर्भ होता है वो उल्ब से आवृत माने जो वाटर होता है एक तरह का जिससे उसकी रक्षा होती है उससे वो आवृत होता है तेन तेन अज्ञाने इदम ज्ञानम आवृतम ये ज्ञान आवृत किया हुआ है तो हमको अपने स्वरूप को जानने के लिए जो कि हमारा स्वरूप है सत चित आनंद स्वरूप जिसके लिए हमारी श्रुतिया हमारी उपनिषद भी कहती है पूर्ण मद पूर्ण मिदम ये पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें साधना करनी है और इस साधना के पथ में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं उसको दूर करना है उसमें श्रीमद् भगवद गीता हमको बहुत मदद करेगी ये हमारा ऐसा आश्रय है ऐसा आश्वासन है ऐसा भरोसा है ऐसा संबल है जो हमें पग पग पर प्रत्येक क्षण पर हमें मदद करती है इसीलिए तो श्रीमद गीता पर इतने सब लोगों ने कुछ न कुछ लिखा है कहा है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है तो आज के सुप्रभातम में मैं आप सब लोगों के साथ श्रीमद गीता के स्तृति अध्याय के कर्म योग के कुछ श्लोकों के साथ अपनी बात को यहीं पूरा करता हूं धन्यवाद नमस्कार